Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन गोस्वामी प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाले पतंग को उड़ाने जा रहे हैं और ये जो है इस पतंग से जो है हमने फंदा वगैरह बना रखा है। आप देख सकते हैं ये सब फंदे बने हुए हैं। माचिस की तिली से हमने फंदा बनाया है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पास ला करके यहाँ पे एक माचिस की तिली और लगनी है, तो मैं अभी लगा देता हूँ। मेरे पॉकेट के अंदर काफ़ी सारी माचिस की तिली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तिली निकाली माचिस की और तिली को देखिए इस फंदे के ऊपर ऐसे 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 रैप किया और ये देखिए ये लगा दिया मैंने और इसको टाइट कर दिया। ये टाइट कर दिया, ये देखिए ये एक फंदा और तैयार हो गया। एक तिली ही यहाँ पे भी लगाऊंगा मैं। ये देखिए एक तिली इस पर भी लगा रहा हूँ। ये देखिए इसको मैंने ऐसे करके लपेटा, लपेटने के बाद इस तरह से एक फंदा बनाया और फंदे को अब बाकी पूरी हो गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए ये दो लेयर सद्दी का है। ये छः नंबर का सद्दी है, ये जो मेरे हाथ में है ये सद्दी का है छः नंबर का। और ये जो रेड वाला है ये भी सद्दी है और ये जो है सद्दी चार नंबर का है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है एक पतंग को उतारने वाले हैं और पतंग जो है पेड़ में अटकी हुई है बहुत बहुत डोर से। तो फ्रेंड्स, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि उस पतंग को जो है आपको उससे दिखाए, पहले मैं इसको उड़ा लूँ DSLR कैमरे से दिखाए, क्योंकि वो पतंग आपको ऐसे ऑर्डिनरी कैमरे से नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत दूर फंसा हुआ है फ्रेंड्स और बहुत बहुत सारा मांझे के साथ है और वो किसी एक पेड़ में फंसा हुआ है। एक्चुअली हमारे को पता नहीं चल रहा वो किस पेड़ में फंसा है और ये पतंग आई कहाँ से इतने डोरों से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ वहाँ पे क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड है और वो शायद मोबाइल से नहीं दिखेगा आपको, और वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और तो मैं भी कैमरामैन को बोलूँगा पहले मेरे को इस पतंग को उड़ाते हुए दिखाए। ये देखिए मैंने उड़ा दिया, ये देखिए हमारी तिली लेकर के जा रही है, ये तिली वाली पतंग है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसकी तिलियाँ, कैमरामैन अगर दिखा सके इसकी तिलियों को। ये देखिए तिली ऐसे ऐसे घूम रही है फ्रेंड्स। इसी तिली में जो है हम उस पतंग को फंसा लेंगे जो पेड़ में फंसी हुई है और उसको उतारने की कोशिश करेंगे। 100% मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने बचपन में बहुत सारी पतंगें पेड़ से उतारते थे। और जो ओल्ड सिटी के लोग हैं, जैसे पुरानी दिल्ली हो गया या कानपुर का पुराना शहर या लखनऊ का पुराना शहर और इलाहाबाद का पुराना शहर, जौनपुर, बनारस, सब पुराने शहर वाले फ्रेंड्स ये ट्रिक को जानते हैं लेकिन न्यू सिटी वाले नहीं जानते। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो जो है DSLR कैमरा निकाले और पहले तो उस बिल्डिंग को दिखाए जिस बिल्डिंग के पास क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड है, वहीं से ये पतंगें कट करके आती हैं हमारे घर के ऊपर। जब हवा की स्पीड अच्छी होती है और हवा का डायरेक्शन हमारे घर की तरफ होता है तो वहाँ से अक्सर पतंगें कट कट करके हमारे घर के ऊपर से जाती है। तो इसी तरह से आज भी एक पतंग गई है, वो जाके आगे फंस गई है पेड़ पे, उसको हम लोग उतारने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड है। हमारे घर के पास दो क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड है, उनमें से एक ये वाली क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड है और एक ग्राउंड दूसरी तरफ है और दोनों में ही काफ़ी क्लब काइट फाइटिंग होती है फ्रेंड्स। ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर है और यहीं से सारी पतंगें कट कट करके जो है हमारे छत के ऊपर से जाती है। अक्सर हम लोग पतंग को लपेटते भी हैं और पकड़ते भी अपने छतों से। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के अंदर आपने इस वाले ग्राउंड को बहुत बार देखा होगा, जो ये क्लब काइट फाइटिंग ग्राउंड है। इसको मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि जूम करके दिखाया जाए आपको। आप लोग इस वाले बिल्डिंग को जरूर पहचानते हैं और यहीं से मैं अक्सर जाकर के क्लब काइट फाइटिंग की वीडियो बनाता हूँ। उस पर दिखा देखिए लिखा भी हुआ है रेडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पर रेडिशन लिखा हुआ है बिल्डिंग पे और यहाँ पे बहुत सारी क्लब काइट फाइटिंग होती है और यहीं पे जाकर के मैं वीडियो वगैरह अक्सर बनाता रहता हूँ। मेरे 50 से भी ज़्यादा वीडियोस इस ग्राउंड के बने हुए हैं। तो अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊँगा कि कैमरामैन आपको वो पतंग दिखाए जो पेड़ में फंसी हुई है। दूर एक पतंग खड़ी हुई है फ्रेंड, ये किसी पेड़ में अटकी हुई है और काफ़ी डोरों से कम मैं बता सकता हूँ ये 400-450 मीटर मांझा होगा फ्रेंड। जहाँ से हम पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ से कम से कम 300-350 मीटर आगे ये पतंग किसी पेड़ में फंसी हुई है और हम लोग अभी इसको कोशिश करके निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, पहले हम इस पिलर के ऊपर ट्राई कर रहे थे अपनी पतंग को, शायद हमको लग रहा था कि शायद इनमें फंसा हुआ है, तो मैंने इस पर कोशिश करके देख लिया और इस पर मैंने कोशिश करी है अभी, लेकिन इन पिलर्स पे वो पतंग नहीं है और न ही इन पेड़ों पे है जो नीचे वाली पेड़ है। तो फ्रेंड्स, ये कंफर्म हो गया कि न तो इस पिलर पे वो पतंग अटकी है और न ही जो टावर है टावर पे भी नहीं अटकी है। और मेरे को पहले डाउट हो रहा था कि किसी टावर में फंसी हुई है ये, लेकिन ये टावर में नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वाले पेड़ पर कोशिश कर रहे हैं, इस वाले पेड़ पर शायद फंसा हो, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड्स वो पतंग इतनी दूर है तो इसलिए हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। अगर पास होता तो फिर हमको पता भी लग जाता है और ये पेड़ कम से कम 250 मीटर दूर है। फ्रेंड्स, मेरे को लग रहा है इस पेड़ पे भी पतंग नहीं है क्योंकि अगर होता तो मेरे डोर में फंसता जरूर। नहीं फ्रेंड्स, इस पेड़ में भी नहीं है।
फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पतंग जो है इस पर लपट चुका है बहुत बुरी तरह से, और आप लोगों को पतंग के चाल से ही पता लग रहा होगा। और वो देखिए वो पतंग जो दूसरी वाली है उसको लपेटा हुआ है हमने, और इसी पेड़ के ऊपर डोर था और बहुत मुश्किल से इसका डोर मिला है फ्रेंड्स। अब मैं इसको खींच करके तोड़ दूंगा क्योंकि मांझा तो कमज़ोर होता है, और सद्दी मेरा 4 नंबर का है, बहुत मोटा एकदम रस्सी की तरह सद्दी है। 1, 2 एंड 3 तोड़ दिया फ्रेंड्स मैंने धागे को पेड़ पे से। अब देखिए मैं पूरा इसको खींच करके लाऊंगा और पतंग पूरा उतार करके आप लोगों को दिखाऊंगा। काफ़ी डोर से फ्रेंड्स ये पेड़ में जो डोर था वो टूट गया फ्रेंड्स। अब ये पतंग मेरी देखिए आसमान की तरफ धीरे धीरे उठ रही है, लेकिन आता ही जा रहा है। फ्रेंड्स बहुत डोरों से मेरे को पतंग मिली है, ये मज़ा आ जाएगा आज तो पार्टी होनी चाहिए भाई। ऐसे अक्सर मैं इस तरह से पतंगें लपेट लपेट करके लाता हूँ। फ्रेंड्स मैं पूरा के पूरा ही उतार ले रहा हूँ, और ये देखिए मेरा मोटा सद्दी जो है 4 नंबर का सद्दी, और उसको पूरा तोड़ करके लाया पतंग को। अरे पतंग को दिखा दो, फ्रेंड्स अब मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि पतंग को दिखाए, देखिए कितने डोरों से मेरी लॉटरी लगी है आज, जबरदस्त लॉटरी लगी है ये। कम से कम फ्रेंड्स पूरा जूम करके दिखा रहा है आपको, तो ये कम से कम 350 टू 400 मीटर मांझा है, और काफी सारा मांझा पेड़ पे ही टूट गया। अभी मैं फ्रेंड्स पहले जो है इस पतंग को कहीं बांध दूं, मैं अपनी चरखी पे इसको उतार लूँगा। फ्रेंड्स अब मैं जो है अपने चरखी पे इस पतंग को उतार लूँगा, और ये बहुत मस्त पतंग है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया पौने की पतंग है, मज़ा आ रहा है इसको पकड़ करके ही पता लग रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की पतंग है फ्रेंड्स। अब ये देखिए ये मेरी चरखी है और इस पर मैंने लपेटना शुरू किया, ये देखिए ये मांझा लपेटना शुरू हो गया फ्रेंड्स। इसको मैं पूरा उतार करके आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। अभी मैं फ्रेंड्स से पहले पतंग उतार लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे हुआ। फ्रेंड्स ये देखिए अब ये पतंग मेरी हो गई, इसका मालिकाना हक मेरा हो गया, और इसको देखिए कितनी आसानी से हमने पेड़ पे से उतार लिया, और पूरा फंदा वगैरह सब आपको बना करके दिखा दिया। फ्रेंड्स वहाँ पे जो वो बिल्डिंग है उसी के पास से ये सारी पतंगें कट करके आती हैं, बहुत जूम करके आपको दिखाया था अभी हमने DSLR कैमरे से, और वहाँ पे क्लब काइट फाइटिंग होती है, तो जब हवा की स्पीड जो है 12 15 18 20 की होती है तो बड़े आराम से यहाँ पे पतंग आ जाती है। और ये जो ग्राउंड है हमारे घर से काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी जाकर के बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बनाई है और अपलोडिंग करके आप लोगों को दिखाया। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो, मेरा ये पतंग, लूटा हुआ पतंग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताना, और बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।